जवाब देना। अभी एक माता जी कहती है, भाई जी हमारा पति बहुत शराब पीता है, क्या करो? बता, तू जवाब दे दो, कुछ निवारण आप बता, आप भी तो होशियार हो। हाँ भाई बताओ। एक माता कहती है, भाई जी पति बहुत शराब पीता है, क्या करो? शुभ भावना से चलेगा? अब शुभ भावना है, माता जी को भी गुस्सा आता है। शुभ भावना तब होगी जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, मन स्वच्छ है तो उनका काम चलेगा ना। तो मन तो स्वच्छ नहीं है तो कुछ करो, खेती में कुछ गोल हो ऐसे कहेगा ना, तो बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा नहीं, आपको ही बताएगा, बच्चे कुछ करो, क्या करना चाहिए वो आप सोचो, आप कुछ बताओ, किसी के पास उपाय है तो बताओ। हाँ, प्यार भाई होगा तो समझाएगा, प्यार ही नहीं है। प्यार होता था तो शराब पीता ही नहीं था, वो क्यों पी रहा है? प्यार नहीं है तब भी नहीं पी रहा है ना, तो कारण बताओ, क्या करो, कुछ उपाय बताओ। हम बोलते प्यार से तो प्यार होगा तो ऐसा होता नहीं था, प्यार घर में नहीं है तब तो कुछ कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताओ। भोजन नहीं शराब पीता है। हाँ, भोजन बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं माता जी थोड़ी सी नजदीक आई, पीछे बैठ गए, आप सही बोल रहे हैं, तो बताओ युक्ति बताओ। हाँ, तो बाबा कहेगा आपको, बच्चे कुछ करो, अगर आप कहेंगे बाबा ये बच्चा गरीब है तो उसको कहेगा धन धन से दान करो, तो कुछ बताएगा ना, तो क्या बताएगा? जल में किरणें डाल जो उसको पिला, जल आगे जो बाबा प्यार किया था, उसी जल को किरणें दे बाबा से जल पिएगा तो शराब जल पानी दूध हो जाएगा। हाँ, कुछ उपाय बताओ, कौन बताएगा? हाँ सकाश ना, लेकिन उनके पास सकाश होगा तो देंगे ना। हाँ सकाश देना जरूर चाहिए, लेकिन उनके पास सकाश है। मुझे आपने कहा भाई जी दान करो, लेकिन जेब खाली, क्या दान करो? जेब में कुछ हो तो दान करेगा ना। हाँ बाबा से मांग ले, बाबा ने कहा मांगने वाले नहीं बनो। अच्छा चलो फिर भी ठीक है, और कोई उपाय बताओ, और किसी के पास है? माता जी कुछ कह रही है, खाना खिलाए तो शराब अमृत बन जाएगा। खाना तो खिलाती माता जी, रोज योग करके खाना खिलाती है, लेकिन एक चिंता है कि पति परिवर्तन नहीं हो रहा, शराब नहीं छोड़ रहा, क्या करना चाहिए? बाबा को बोलना चाहिए, बाबा ये आपका बच्चा है, आप करेंगे। हाँ बाबा कहता है बच्चे मेरा बच्चा है, लेकिन आप कुछ करो उसके लिए। तो अब एक सुना, आप इसको मानते हुए हमने एक क्लिक किया, एक माता जी आई। हाँ अभी भी जीवित है, कहानी नहीं सुना, तो कहा भाई जी पति शराब पीता है। मैं बहुत दफा आपको बताओ, बाबा के कमरे मधुबन में आए, मधुबन में आए आपको बताओ, तो लेकिन शर्म आ रही थी, क्या कहेंगे आप, कैसे कैसे बोलो, लेकिन कितने समय से तो बाबा को बताया, बाबा कमरे में किया। एक दिन ऐसा विचार आया कि दो बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, किसी को बोलो तो कैसे बोलो, तो घर छोड़ करके पिताजी के घर में गई, माँ बाप के घर में। वहां के बाद भी मैं इस घर में पति को रोज का पति कहता मैं जो चाहे करता हूं, लेकिन ये नहीं छोड़ सकता, मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी नहीं चाहता, वो कहता मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ दवाई दे दो, कुछ करो आप, कहता मैं नहीं कर सकता। कितना साल समझाते, बच्चे बड़े हैं पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं दोनों बच्चे, तो क्या करें, अब फिर सुनते नहीं तो घर छोड़ के गई, और वहां भी शांति नहीं। वहां से फोन किया, भाई जी मैं बहुत दफा ट्राई किया, मधुबन में आए, बाबा को बताया, फिर भी मुझे विचार है आपको बताओ, लेकिन नहीं बताया। अब मैं घर छोड़ के घर गई हूं। हमने कहा माता जी पहला काम करो, पहले अपने बच्चों को खाना बना के खिलाना है, पढ़ रहे हो, पहले घर में जाओ फिर बात करो, नहीं तो मैं फोन रखता हूँ, पहले घर जाओ, अपना धर्म पहले, घर छोड़ के नहीं जाओ। गई बस से घर गई, अभी बात करो। हमने कहा घर छोड़ के जाएंगे आप, बच्चों को पढ़ाई क्या होगा, कौन देखेगा, कल उनका जीवन क्या होगा, वो भी सब सोचना चाहिए ना, घर छोड़ के गए हो गया। तो गई, फिर हमने कहा अभी सुनो क्या करना चाहिए,
हाँ, आपको भी, आप भी 10 साल से ज्ञान में चलते हो। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे गुस्सा नहीं करो, आपने गुस्सा छोड़ा? पति को कहते हो शराब छोड़ो, आप छोड़ नहीं सकते, वो कैसे छोड़ेगा? दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है। आपको भी बाबा ने कितने साल से कहा माता जी आपका गुस्सा गया? बाबा ने आपको कहा, माना आपने? नहीं। पति को आप कहते हो शराब छोड़ो, वो कैसे छोड़ेगा, कैसी ताकत आएगी? तो फिर क्या करो? हमें कहा उपाय, बाबा से राय पूछो, बाबा क्या कर, बाबा सिखाएगा आपको। इसलिए तो मैं मधुबन में आई थी कहने लगी। तब बाबा के, हाँ, हमने कहा एक युक्ति करो, छोड़ो नहीं कहो, वो जान बुझ के नहीं करता, बीमारी है, मन में गलत विचार चलते हैं, नींद नहीं आती, क्या करे, कोई दवाई है, कुछ उपाय है? तो उसका उपाय करो। हम पति को बोलो तुम मार्केट में जाके शराब लेके ले आना, मैं पिलाऊंगी, आप शराब के बॉटल लाओ फ्रिज में रखो, उसके साथ एक कोको कोला के बॉटल भी लाओ फ्रिज में रख दो दोनों, और पति को बोलो खाना खा के आप सोने जाओ, मैं ग्लास में जाके शराब पी, तो बाहर जाके पीना नहीं, लोग मुझे बोलेंगे। तो कहते ठीक, हो सकता है? कहते हाँ। शराब के बॉटल लाया, कोको कोला के बॉटल भी रखा, जब उसको खाना खा के सोने जाओ, एक ग्लास में पहले दिन शराब डाला, दिया, पिया, सो गया, दूसरे दिन शराब के अंदर थोड़ा सा कोको कोला डालो, पिलाओ, टेस्ट थोड़ा धीरे धीरे चेंज करना, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा कोको कोला डालो, वो भी काला होता है नशा वाला, तीसरे दिन और थोड़ा जाओ, ऐसे 10-15 दिन में शराब कम करो, कोको कोला ज्यादा डालो, उसका टेस्ट नशा, हाँ आप पिलाओ, मना नहीं करो, जबरदस्ती बोलने से होता है क्या, कुछ करो। तो ऐसे करके करके उसकी आदत को परिवर्तन करो, करो। जबरदस्ती करने से, बोलने से, रोने से, घर छोड़ने से आदत परिवर्तन होंगे, वो भी मजबूर है, कोई चाहता नहीं है। आपको भी कितने साल से बाबा कहता है गुस्सा छोड़ो गुस्सा छोड़ो, छुटा आपके हाथ में है? नहीं। कुछ युक्ति करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको कहा कि आप ऐसे करो, उनकी आदत, टेस्ट, जीभ की टेस्ट चेंज होते 10-15 दिन में आदत चेंज हो जाएगी। कर सकते हैं ऐसा? करना चाहिए, सही है कि गलत? मंजूर भाई जी, बताओ हो सकता है? करना चाहिए ऐसा? सही उपाय है करना, ऐसे ना, ऐसे नहीं, ये छोड़ो गुस्सा छोड़ो, ये छोड़ो कहना अज्ञान है, कोई चाहता नहीं है। हर एक व्यक्ति परवश है, कोई जानबूझ के गुस्सा नहीं करता है, कोई करते हो आप लोग जानबूझ के? नहीं चाहते हो, परिस्थिति ऐसी आती है, आपके माता जी गुस्सा नहीं करो, 100 दफा सुनो पढ़ो जाएगा, उपाय करना पड़ता है ना। तब कहा आपको बाबा ने उपाय दिया, बच्चे धन चाहिए, मन की शांति चाहिए, अपने आप नहीं मिलेगी कितना भी करो। तब कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीतने, तपस्या करने से नहीं, हर चीज की विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, विधि चाहिए। तो कौन सी विधि? हर एक के कर्मों की अलग अलग विधि है,